हेलो एवरीवन, टुडेज वीडियो इज मास्क विच स्पेल्ड MASQUE एज वेल एज MASK। मास्क वॉज पॉपुलराइज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर इन लेट 16 एंड अर्ली 17 सेंचुरी। ओवरऑल वी कैन से इन एलिजाबेथन एज इट वॉज वेरी पॉपुलर एंड मोस्ट ऑफ द पोएट, मोस्ट ऑफ द प्ले राइट यूज मास्क इन देयर राइटिंग्स। सो लेट्स हैव एवरीथिंग इन डिटेल। वट इज मास्क? What is a mask? Who popularized it in English literature? And popular example of mask in English from the point of view upcoming TGT or LT and PGT English exams. So let's get everything. But before starting, there's a quotation from William Shakespeare. Through his character, he said, "Screw your craze to a sticking place, and you will not fail." अपने क्रेज को एक स्टिकिंग पॉइंट, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लीजिए। अपने साहस को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और आप कभी फेल नहीं हो सकते। कैन यू गेस? शेक्सपियर सेड दिस थ्रू अ लेडी मैकबेथ व्हेन मैकबेथ वाज स्केयरिंग, वाज अफ्रेड, वाज नॉट कॉन्फिडेंट इन किलिंग किंग डंकन टू बिकम अ किंग। वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेडी मैकबेथ उनको हिम्मत देती है और कहती है कि अपने पूरे साहस को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और आप फेल नहीं हो सकते। सो दिस कोटेशन इज फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग हार्ड बिकॉज एग्जाम्स आर नियर, वैकेंसीज गोइंग टू आउट, वैकेंसीज आने वाली है एंड यू हैव टू बी रेडी। अपने पूरे करेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लीजिए, स्टडी स्टडी स्टडी, और आप फेल नहीं हो सकते। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मास्क के बारे में जानते हैं। वट इज मास्क? नाइदर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री और नोर अ फॉर्म ऑफ ड्रामा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो वट इज अ मास्क जानते हैं। मास्क वॉज एन एलोबरेट फॉर्म ऑफ कोर्ट एंटरटेनमेंट दैट कम्बाइन, ये कोर्ट एंटरटेनमेंट की एक पॉपुलर फॉर्म थी जो कॉम्बिनेशन था एक पोएटिक ड्रामा का, म्यूजिक का, सॉन्ग, डांस, स्प्लेंडेड कॉस्ट्यूम, शानदार महंगे दिखने वाले तड़क भड़क वाले ड्रेस एंड स्टेज स्पेक्टिकल और शानदार स्टेज परफॉर्मेंस, इन सभी का कॉम्बिनेशन मास्क कहलाता है। आई रिपीट, इट इज़ अ कोर्ट एंटरटेनमेंट, राजा या महारानी के कोर्ट में एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्म किए जाने वाला एक जॉनर है जो कॉम्बिनेशन है पोएटिक ड्रामा का, म्यूजिक का, सॉन्ग, डांस, स्प्लेंडेड कॉस्ट्यूम, ड्रेसेस एंड शानदार स्टेज प्रेजेंटेशन। और अक्सर इसमें एक छोटी कहानी भी होती है, प्लॉट भी होता है जो मेनली मैथोलॉजिकल होता है, और एलोग्रिकल जो अदर कैरेक्टर्स के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है जिसके डाइवर्स एलिमेंट्स होते हैं। सो ओवरऑल वी कैन से मास्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा दैट इंक्लूड पोएटिक ड्रामा, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, स्प्लेंडेड कॉस्ट्यूम, शानदार कपड़े और शानदार स्टेज परफॉर्मेंस, और ये सब कोर्ट एंटरटेनमेंट का एक जोनर है। आई होप यू गॉट इट। व्हाट इज अ मास्क? डेफिनेशन MH अब्राहम बुक से ली गई है, पेज नंबर 211। इसके ओरिजिन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मास्क इन इंग्लिश? सो द मास्क वॉज इनोग्रेटेड इन रेनसा इटली, सबसे पहले ये रेनसा के समय इटली में हुआ और जो इंग्लैंड में भी फ्लरिश हुआ ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, महारानी एलिजाबेथ के समय में, जेम्स फर्स्ट के समय में और चार्ल्स फर्स्ट के समय में ये इंग्लैंड में काफ़ी पॉपुलराइज हुआ, इसने खूब फ्लरिश हुआ, काफ़ी सारे मास्क लिखे गए, कोर्ट एंटरटेनमेंट में इनको परफॉर्म किया गया महारानी और महाराजाओं को एंटरटेनमेंट करने के लिए, और ये सब चलता रहा। ये लेविस बहुत खर्चीला प्रोग्राम होता था ये, जो किंग्स और क्वींस के लिए स्पोर्ट्स का काम करता था, और ये कब तक कंटिन्यू रहा? 1642 में जब प्यूरिटन की विजय हो गई, कॉमनवेल्थ के अकॉर्डिंग रूल चलने लगे, थिएटर्स बंद कर दिए गए अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट रूल, और 1642 में ये चीज़ हुई, थिएटर बंद हुए, पार्लियामेंट का रूल यहाँ पर आ गया था। तो इस समय तक ये सभी कोर्ट एंटरटेनमेंट चलता रहा जिसमें मास्क परफॉर्म किए जाते थे। सो दिस इज़ द ओरिजन, और किस एज में सबसे ज़्यादा ये फ्लरिश हुए और कब तक ये चले, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर मास्क इन इंग्लिश, इंग्लिश में पॉपुलर मास्क किसने हैं? तो इसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है, बेन जॉनसन पॉपुलराइज मास्क एंड एंटी मास्क। मास्क के साथ साथ एंटी मास्क भी लिखे गए, एंटी मास्क की बात किसी और वीडियो में करेंगे। बेन जॉनसन गोट द क्रेडिट टू पॉपुलराइज मास्क एंड एंटी मास्क इन इंग्लिश लिटरेचर इन अर्ली 17th सेंचुरी। सबसे ज़्यादा मास्क बेन जॉनसन ने लिखे हैं, साथ साथ एंटी मास्क लिखे हैं। बेन जॉनसन के पॉपुलर है द मास्क ऑफ ब्लैकनेस और द मास्क ऑफ क्वीन आर ग्रेट एग्जाम्पल। फर्दर हम बात करेंगे, इनिगो जेंस ने लिखे हैं, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ मास्क बोला जाता है, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया, एलोबोरेट बड़े बड़े सेट्स रखे, कॉस्ट्यूम्स रखा और स्टेज मशीनरी सबको पॉपुलराइज
या इन सबको डेवलप करने का आर्किटेक्ट, इन्हीं को जेन्स को बोला जाता है। ये दो नाम आपको हर हाल में रखने होंगे अगर बात करते हैं ओरिजिन और डेवलपमेंट की। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट द वन इज कॉमस, द मास बाय जॉन मिल्टन इन 17th century विद द हेल्प ऑफ हिज म्यूजिक टीचर हेनरी लॉस। उनके म्यूजिक टीचर थे हेनरी लॉस, जिनसे म्यूजिक सीख रहे थे, उन्होंने इसको हेल्प किया था इस मास को प्रेजेंट करने में, कंपोज करने में। विच वॉज प्रेजेंटेड एट लूडो कैसल में, जो प्रेजेंट किया गया बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, वो प्रेजिडेंट बन गए थे। 1634 में लिखा गया और उसी समय यह प्रेजेंट किया गया। ये ईयर कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कॉमस किसने प्रेजेंट किया, किसने लिखा, जॉन मिल्टन ने, ये सभी को बताया है। बट इसमें ये नाम हेनरी लुईस, इनके म्यूजिक टीचर का नाम एक बार आया था और स्टूडेंट सब इसको नहीं कर पाए थे। सो होप यू विल अंडरस्टैंड, ये नाम इसलिए मेंशन किया गया है, कॉमस द मास बाय जॉन मिल्टन वॉज कम्पोज विद द हेल्प ऑफ हिज म्यूजिक टीचर हेनरी लुईस और प्रेजेंट किया गया लूडो कैसल में इन 1634 बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। नेक्स्ट फेमस एग्जांपल है, पीबी शैले ने एक मास्क ऐड किया है 4th act में अपने पोएटिक ड्रामा प्रियोमिथस अनबाउंड, जो 1890 में लिखा गया था, और ये भी रेनेसा मॉडल का ही मास्क था। सो अनदर ग्रेट एग्जांपल। अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर ने अपने कुछ प्लेज में मास्क सीन डाले हैं। सो द एग्जांपल इज द टेम्पेस्ट, फर्डिनेंड और मिरांडा की जब एंगेजमेंट होती है तो वहाँ पे मास्क परफॉर्म किया जाता है। अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स में मास्क परफॉर्म किया जाता है मिडनाइट को, रोमियो एंड जूलियट में और हेनरी 8 में, इन सभी प्लेस में मास्क प्रेजेंट किए गए हैं, शेक्सपियर ने इनमें मास्क डाले हुए हैं। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार आ चुके हैं, इन विच प्लेस शेक्सपियर मास्क वाज प्रेजेंटेड। तो इसमें ऑप्शंस में अगर द टेम्पेस्ट है, मिडसमर नाइट ड्रीम है, रोमियो एंड जूलियट है और हेनरी 8 है, कोई भी आंसर है, ऑप्शन है, देन इट वुड बी अ करेक्ट आंसर। आई होप यू गोट व्हाट इज मास्क, हाउ इट इज पॉपुलराइज, वेयर इट इज ओरिजिन एंड वर द ग्रेट एग्जाम्पल इंग्लिश लिटरेचर। So, I repeat the quotation again, screw your craze to a sticking place and you will not fail. The quotation is told by Lady Macbeth to Macbeth to achieve his ambition by killing King Duncan and becoming the King of Scotland. Thank you.